तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। हम जा रहे हैं कहाँ? धनतेरस का सामान लेने। आप देख सकते हो, ये देखिए, खुशी ने लगाए हैं अपने चेहरे पे थोड़ा सा पाउडर, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। और ये आ गई है हमारी एंजल, मेरी प्यारी सानी। ये हमारे घर की सबसे बड़ी थिंक टैंक है। हाँ, सबसे बड़ा। नहीं गाइस, सीरियसली, इसका इमेजिनेशन, लॉजिक्स आर वेरी क्लियर। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। मैं इस एज में इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी। सानवी, तारीफ हो गई। चलो चलो, तो अब हम निकल रहे हैं बाहर। तुमने वॉलेट लिया? मैंने बैग, मैंने वॉलेट ले लिया है। मैंने बैग भी ले लिया है। आपको मैं अपनी बालकनी का नज़ारा दिखा दूँ जरा? लेट मी शो देम द बालकनी। अरे यार, अभी गिर जाता मैं यार। तू पैर अड़ा के खड़ी हुई है। मैं पैर अड़ा के खड़ी हूँ। हाँ, ये देखिए, हाउ इज इट? तुम ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हो। हाउ इज दैट? सी, ये देखिए आपकी नीलंदी। ये ब्लू शर्ट देख रहे हो? ये ऐसे लग रहा है जैसे डांस कर रहा हो बाइक पे। इसकी शर्ट सही में ऐसा लग रहा है ऐसे कमर हिला हिला के डांस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं। अरे 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 अरे, हाँ, उसकी ब्लू शर्ट है, उसने टक नहीं करी, हवा की वजह से ऐसे हो रखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और कैसे गए आपके त्यौहार? उम्मीद करती हूँ वो भी बहुत मज़े में होंगे, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो बस ये है मेरा धनतेरस का व्लॉग। और इन त्योहारों के लिए मैं 2 दिन तक काफ़ी बिजी थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बट अब बैक टू बैक सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। और धनतेरस को काफ़ी शॉपिंग की थी हम लोगों ने। यहाँ शर्मा जी कुम्हार के पास से दिए चुन रहे हैं, क्योंकि मैं झुक नहीं सकती, मेरा मेडिकल कंडीशन है। और यहीं से हमने लक्ष्मी गणेश भी ले लिए। टेस्ट कर रही हैं बाहर की चाय है? बहुत तारीफ सुनी है मैंने इस चाय की। शर्मा जी की जबानी अच्छी बना रहा यार। हाँ, नहीं, कभी कभी दूसरे के हाथ का पीना चाहिए, फिर पता चलता है कि अपन कहाँ स्टैंड करते हैं। कलर तो मस्त है ना, कटिंग चाय। ये देखिए ऑमलेट सेंटर, अंड संड घोटाला। ये कौन से ऑमलेट होते हैं? अंड संड भी नहीं है, अंड संड घोटाला। नील, क्या ले रही है? रंगोली कलर्स। नहीं, मुझे लगा समोसे, मुझे लगा फूड कलर ले रही है तू। हैं? समोसे। ये वाले किसका क्या बनाएगी? मफिन में डालेगी? अरे मस्ती मत कर यार, रंगोली बनेगी। हाँ, अच्छा कलर है। ये तो समोसे हैं। समोसे हैं, दिखा। हाँ। तू समोसे में खा ले, नीले रंग का समोसा सान में। नहीं खाना जहरीला। नहीं खाना। समोसे।
और जब त्योहार होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा याद आते हैं बाकी घर के लोग। मतलब जब मैं छोटी थी तो मेरी बहन, मम्मी, इसके बाद शादी हो गई तो मैं शर्मा जी की मॉम के साथ ज़्यादा दिन नहीं रह पाई, मेरी सासू मॉम के साथ, क्योंकि तब मैं वर्किंग थी। लेकिन जब त्यौहार होते हैं ना तो घर की फीमेल, जैसे कि यानी यहाँ पर मैं, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े छोटे हैं, वो उतना हेल्प नहीं करा पाते, वो पूरी कोशिश करते हैं बट अगेन एक लिमिटेशन होती है, तो घर की गृहिणी बेसिकली, तो व्रत त्यौहार जो है वो भी करना है, पूजा पाठ की तैयारी करनी है, किचन का सारा सामान देखना है, सजावट ये वो। मुझे लगता है जो त्यौहार का दिन होता है उसमें 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, इतना सारा काम होता है। तो बाहर से आने के बाद मैंने फटाफट दिए सोख करने रखे और इसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ पनीर टिक्का। आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी जो तैयारियाँ हैं वो शर्मा जी और बच्चे लोगों ने की, मैं भी साइड बाय साइड करती रही। इस वीडियो के एंड में मैं आपको जो भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन की थी वो दिखाऊँगी। फिलहाल रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए बेसिकली पनीर, कैप्सिकम और प्याज चाहिए होता है। इसमें आप कलरफुल कैप्सिकम भी रख सकते हो, बेल पेपर्स और टमाटर भी डालते हैं कुछ लोग। तो सब्जियां डालने की आपकी अपनी मर्जी है, जो भी सब्जियां आप जितनी मात्रा में चाहें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ एक शिमला मिर्ची ले लिया है और इसके बीज और अंदर जो इस तरह सफ़ेद लाइनें होती हैं उनको हटा दिया है और इसको साफ़ करके रख लिया है मैंने। और दो प्याज को इस तरह से मैंने काट के इसके जो क्वार्टर करके इसकी पील्स निकाल ली हैं। और ये जो प्याज अंदर बच रहा है जो इस्तेमाल नहीं होगा इसको संभाल के रखिए। आज मैं आपको इसके साथ भी एक बहुत ही सही रेसिपी देने वाली हूँ। यूजुअली हम सब लोगों को हेडेक हो जाती है जब पनीर टिक्का बनता है, क्योंकि बहुत सारा सामान काइंड ऑफ वेस्ट हो जाता है। उस सबको इस्तेमाल करके आप कैसे एक नई रेसिपी रिक्रिएट कर सकते हो ये मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। फिलहाल पनीर टिक्का, तो सारी प्याजों को जितना मुझे चाहिए उतने मैंने क्वार्टर्स ले लिए हैं और शिमला मिर्ची को भी मैं थोड़े छोटे हिस्सों में काट लूँगी। मेरी फैमिली में शिमला मिर्ची किसी को भी एज सच पसंद नहीं आती है, लेकिन पनीर टिक्का में डलती ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक शिमला मिर्च ले रही हूँ। इसके बाद पनीर जो है आपका, आप इसको काट लीजिए। और यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि पनीर को बहुत बारीक काटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हम इसको जब मैरिनेट कर देते हैं वैसे ही पनीर बहुत सॉफ्ट होता है और मैरिनेट हो जाने के बाद तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो ऐसा पनीर जो आपने छोटा या पतला काटा हो उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, ये कभी कभी स्क्यूअर में से टूट कर निकल जाता है। तो थोड़ा सही साइज़ में थोड़ा थिक थिक आप पनीर के क्यूब्स निकाल लीजिए। चलते हैं इसके मैरिनेट की तैयारी की तरफ। एक बर्तन में मैंने ले लिया है कुछ 4 चम्मच गाढ़ा दही और यहाँ पे ले रही हूँ मैं दालिया, गुजरात में इसको दालिया कहते हैं। ये बेसिकली भुनी हुई चने की दाल है और ये कई रेसिपीज़ में जाती है, मल्टीपर्पज़ है, इसलिए मैं इसे लाकर रखती हूँ। तो ये दालिया इसको मैं पीस लूँगी, इसका पाउडर मैंने बना लेना है। आपके पास अगर नहीं है तो आप साधारण तरीके से कढ़ाई में बेसन को डाल के भून लीजिए, वो भी बहुत अच्छा बेसिकली वही जाता है टिक्के में, पर मेरे पास शॉर्टकट अवेलेबल था तो इसलिए मैंने ये कर लिया। तो यहाँ पे ये जो पाउडर है भुना हुआ बेसन बेसिकली ये डाल दीजिए आपके टिक्का में। और आपको दही कितना लेना है, आपको दही इतना लेना है जितनी आपकी सब्जी हो। आपको अंदाज़ा लगाना है कि सारा का सारा अच्छी तरह कोट हो जाए उतना आपका मैरिनेट तैयार होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप दही ले सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, मैरिनेट में डाला मैंने चाट मसाला, जीरा का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, आप चाहें तो नॉर्मल लाल मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं, पर उससे क्या है आप जितना ज़्यादा डालेंगे आपका जो टिक्का है वो तीखा होता जाएगा और कलर नहीं आएगा, इसलिए मैंने कश्मीरी मिर्ची ली है। तीखेपन के लिए मैं इसमें काली मिर्ची डालूंगी। थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी, नमक मैंने इसमें ऐड किया है। इसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 नींबू का रस, आप चाहें तो इसमें थोड़ा अजवाइन और हरी मिर्ची को पेस्ट करके भी डाल सकते हैं, पर मैं एकदम बिल्कुल बेसिक वाला मैरिनेट, बेसिक और इजी वर्जन टिक्का आपको सिखा रही हूँ, रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसे एकदम आसान वाला रखने की कोशिश की है। जैसा मैंने बताया तीखेपन के लिए मैं ऐड करने वाली हूँ काली मिर्ची का पाउडर, तो बस वही मैंने ऐड किया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं हाथों से, एकदम यूनिफॉर्म ये मिक्सचर बना लीजिए। दही अलग, मसाले अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए, और बेसन के बैटर जैसा आपका ये मिक्सचर बनना चाहिए, एकदम रनी नहीं और थिक भी नहीं।
और इसमें जाएगा सरसों का तेल। तो थोड़ा सरसों का तेल मैंने स्मोक होने के लिए रख दिया था गैस पे, क्योंकि अगर आप कच्चा डालेंगे ना तो टिक्का को हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते हैं, तो सरसों का तेल का एक टेस्ट आपके टिक्का में रह जाएगा और सभी लोग उस टेस्ट के दीवाने फैन नहीं होते हैं, तो हो सकता है उन्हें पसंद ना आए। तो इस तरह से आपके जो सरसों का तेल है उसको स्मोक कर लीजिए, पका लीजिए और इसके बाद मैरिनेट में ऐड कीजिए, तो इससे आपके मैरिनेट में सरसों के तेल की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं आएगी। अच्छी तरह से बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए सारे बैटर को, और इसके बाद जो आपका पनीर है ना उसे सबसे पहले बोल में डाल के मिक्स कर लीजिए, क्योंकि आप एक साथ सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे तो पनीर टूटने के चांसेस होते हैं। तो पहले पनीर को अच्छी तरह से मैरिनेट में कोट करके रख दीजिए, एक साइड लगा दीजिए, और फिर बाकी जो सारी सब्जियां हैं उन्हें आप मैरिनेट में ऐड कीजिए, क्योंकि आप उनके साथ थोड़ा सा हार्श पेश आ सकते हैं, लेकिन पनीर के साथ ऐसा मुश्किल है। सारी चीज़ें आप पनीर मैरिनेट में मिला के रख दीजिए, और इसके बाद ये जो मैरिनेट आपने बनाया है इसको कम से कम आधे घंटे का रेस्टिंग टाइम देना ज़रूरी है। आप इसे फ्रिज में और ज़्यादा वक्त के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, उतना ही अच्छा टेस्ट आपके पनीर टिक्का में अब्सॉर्ब होगा, बट कम से कम आधा घंटा तो ज़रूरी से मैरिनेट करने रखिए। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे टिक्का और कबाब के साथ खाई जाने वाली चटनी। ये बेस्ट फ्रेंड है आपके टिक्काज की, बहुत ईजी है, रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने चटनी जार में ले लिया है बस एक कली लहसुन, थोड़ी सी मिर्ची और हरा धनिया, आप इसमें छोटा टुकड़ा अदरक और पुदीना डाल सकते हैं। मैंने अदरक अवॉइड किया और पुदीना मुझे मिला नहीं, तो ये दोनों ही चीज़ें मेरे चटनी का पार्ट नहीं है। मिलाइए इसमें स्वाद के हिसाब से नमक और काला नमक का कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा जीरा का पाउडर और एक नींबू का रस, और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ना पीनट्स डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, लेकिन ये जो चटनी है जो टिक्का के साथ खाई जाती है वो इसी तरह बनती है, इसलिए मैं आपको एकदम बेसिक रेसिपी दे रही हूँ। इसके बाद इसको अच्छी तरह से पीस लीजिए। ये तो हो गई आपकी चटनी तैयार, और ये चटनी आपकी नॉर्मल बेसिक चटनी है, तो ये सारी चटनी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अपनी फैमिली का मुझे अंदाज़ा है कि कितना लगेगा। तो टिक्का वाली चटनी बनाने के लिए बस मैं उतनी ही चटनी लूँगी जितनी की लग जाए टिक्का के साथ खाने में, बाकी चटनी को मैं इस तरह से कांच के बर्तन में डाल के फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। ये कई दिन चल पाएगी और कई चीज़ों के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी चटनी जितनी मुझे लगती है कि ज़रूरत होगी, उतनी में मैंने लगभग 2 चम्मच बड़े चम्मच गाढ़ी दही डाल लिया है, इसे ज़रा सा बीट कर लीजिए और हो जाएगी आपकी सुपर यमी, सुपर टेस्टी और एकदम आसान वाली टिक्का कबाब के साथ खाए जाने वाली चटनी तैयार। आप इसका कलर देखकर समझ ही गए होंगे, ये वही चटनी है जो रेस्टोरेंट्स में मिलती है हमें पनीर टिक्का के साथ खाने के लिए, और भी कई सारे तरह के टिक्का होते हैं, तो यह आप बनाइएगा, आपके टिक्का को 4 चांद लगा देगी। तो यहाँ पर चटनी हो चुकी है तैयार और बस तैयारी है अब टिक्का को सेकने की। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरह के पैन ले लिए हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपका जो टिक्का है वो इस तरह के ग्रिल पैन में या साधारण तवे दोनों पर आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए और स्मीयर कर दीजिए आपके पैन को। इसके बाद जो स्क्यूअर्स हैं ना इनको मैंने भिगो के रखा हुआ था, इसके ऊपर आपकी सब्जी और पनीर जो कुछ भी आपने लिया है टिक्का में उसे अरेंज कर दीजिए। आप चाहें तो टिक्का में जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, कलरफुल बेल पेपर्स ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, मशरूम ऐड कर सकते हैं, गाजर टमाटर भी ऐड किया जा सकता है, पर हर फैमिली का टेस्ट डिफरेंट होता है। किसी फैमिली में बच्चे पार्ट होते हैं, किसी फैमिली में नहीं होते हैं, किसी फैमिली में बड़े लोग भी फैमिली में रहते होते हैं, तो जैसा आपके घर में चलता हो आप उस तरह से इस रेसिपी को मॉडिफाई कीजिएगा, क्योंकि आपके घर के बारे में आप बेस्ट जानते हो। जैसे मैं खुद भी मेरे घर के हिसाब से ही सब्जियां ले रही हूँ, ये कैप्सिकम भी शर्मा जी और मैं जितने खा लेंगे बस उतने ही यूज़ होंगे, बाकी यूज़ नहीं होंगे क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते, और एज सच मैं और शर्मा जी भी कैप्सिकम के फ़ैन नहीं हैं।
बहरहाल सारी सब्जी को अच्छी तरह से मैरिनेट में कोट करते हुए आप स्क्यूअर्स के ऊपर लगा दीजिए और इन्हें तवे पे कुक होने के लिए रख दीजिए। और ये जो टिक्काज हैं वो तवे पे बहुत अच्छे बनते हैं, बेस्ट तो ये ओवन में बनते हैं, लेकिन मैं जब भी कोई रेसिपी ओवन में बनाती हूँ तो एक बिग नंबर ऑफ माई व्यूअर्स ऐसा ही बोलते हैं हमेशा कि दी हमारे पास ओवन नहीं है, इसे तवे पे कैसे बनाया जाए। तो इसलिए आप सबकी सुविधा के लिए मैं ये तवे पे आपको बनाना सिखा रही हूँ, ये रेसिपी तवे वाली आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ना तवे पे पकाने के बाद जो गैस का फ्लेम है उसके ऊपर डायरेक्ट रोस्ट कर लेते हैं ना, जैसे कॉर्नर कॉर्नर जले जले हो जाते हैं, वो कर सकते हैं, और भी अच्छा टेस्ट आएगा और भी अच्छा लुक आएगा बेसिकली। पर इस तरह से तवे पे भी बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। घुमा घुमा के चारों तरफ से सेक लीजिए। बाय द वे मेरे ये दोनों पैन मायर के हैं, इन्हें खरीदने के लिए परचेजिंग लिंक और एक स्पेशल डिस्काउंट कोड आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो चेक कीजिएगा। बस ये जो टिक्का है इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पे चारों तरफ से घुमा घुमा के आप पका लीजिए। और ये देखिए नए यमी और बहुत ही टेस्टी बने थे ये टिक्का, और चटनी के साथ तो एकदम ही मज़ा दुगना हो गया। इतने टिक्का अगर आप रेस्टोरेंट से मंगाएंगे ना, 1000 रुपये आपके कहीं नहीं गए, पर घर में हाइजीनिकली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आराम से 200-300 रुपये में मैंने इतने सारे टिक्का बना लिए। आप ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको पसंद आने वाली है। और टिक्का बना लेने के बाद सबसे बड़ा हेडेक कि बचे कुछ सामान का क्या करें, तो इसका सलूशन दे रही हूँ मैं आज आपको। ये जो प्याज है ना, ये तो वही है जो शुरू में हमने निकाल ली थी, बस इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। कुकर में मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल स्मोक किया है, और उसके बाद मैंने ये जो प्याज थी इसको बारीक काट के ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ये भून जाएगा, इसके बाद मैं जितना भी मेरे पास मैरिनेट बचा था ना वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये जो मैरिनेट होता है ना, इसमें कुछ भी ऐसा कच्चा नहीं होता है जिसको आपको खास भूनने या पकाने की ज़रूरत पड़े, तो ये 2 मिनट भूनने में ही तैयार हो जाता है। इसके अंदर सिर्फ एक बेसन है जिसे आपको थोड़ी भूनने की ज़रूरत है, बाकी दही तो अपने आप थोड़ी देर में कुक हो जाएगी और मसाले भी मीनवाइल कुक हो जाते हैं। तो क्योंकि इस जो मैरिनेट है इसमें बेसन है, ये जल्दी ही आपके पैन में चिपकने लगेगा, पर आप इसे थोड़ा सा भून लीजिए जब तक ज़रा सा ऑयल इससे ऊज आउट होता आपको लगे। और इस स्टेज के बाद इसमें ऐड कर दीजिए 2 टमाटर। टमाटर मैंने फाइनली चॉप नहीं करे हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद जो चटनी थी मेरी दही वाली वो, और टिक्का का जितना भी मसाला और सब्जियां बची थी वो मैंने ऐड कर दिया है। जैसा मैंने आपको बताया शिमला मिर्च हम लोग को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं डाली, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और एक तरह से कढ़ी जैसा तैयार होगा, तो आप चाहें तो स्टेज पे इसमें आपको जो सब्जियां अच्छी लगती हों, जैसे कि आपके आलू हो गए, ड्रमस्टिक हो गए, ब्रोकलीज हो गई, जो भी आपको सब्जी अच्छी लगती हो ना एडिशनल, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। मैं सिर्फ मटर ले रही हूँ। अच्छी तरह से इस सबको मिक्स कर दीजिए, और बहुत ही यमी ये सब्जी बनती है, एकदम स्पेशल जैसी लगेगी, कोई कह ही नहीं सकता कि आपने बचे हुए सामान से ये सब्जी बनाई है। और आप देख रहे हैं कि कैसे फटाफट ये बन गई है, ऐसे जिसमें कुछ काटना भूनना जैसा कुछ काम था ही नहीं, एक के बाद एक में चीज़ें डालती चली गई। 5 मिनट में इसका भूनना हो जाता है, और बस 2 सीटी लगा दीजिए आपकी ये सब्ज़ी तैयार। तो इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, आपने सुपर डिलिशियस टिक्का होममेड तो खा लिया, बचा हुआ सामान भी कुछ वेस्ट नहीं हुआ, उसकी भी आपने स्पेशल लगने वाली एक सब्ज़ी तैयार कर ली। आप अगर ऐसी सब्ज़ी आपके फ्रेंड्स को गेस्ट को सर्व करोगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये कैसी बनाई, इतना यमी इसका टेस्ट होता है, जैसे कुछ स्पेशल सब्जी बनाई हो। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो सब्जी हो गई तैयार, और हम लोग की टमी है फुल, तो हम लोग तो इसे अभी नहीं खाने वाले हैं, बस वेस्टेज ना हो जाए इसके लिए मैंने ये बना के रख दी। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है, और अभी ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर दूंगी, ये कल आएगी काम हमारे, कल खाएंगे हम लोग इसे। और बनाकर देखिएगा, बहुत यमी ये सब्जी लगती है, और जितनी ज़्यादा आप इसमें वेजिटेबल मिलाओगे, पनीर वगैरह डाल देंगे, उतनी ये ज़्यादा और स्पेशल लगने लगेगी, पर स्वाद तो इसमें भी कम नहीं है। और बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ क्लिप्स मेरे घर की डेकोरेशन की, कैसे थोड़ी बहुत डेकोरेशन मैंने की थी, सिंपल वाली, एकदम मिनिमम डेकोरेशन कह सकते हैं आप इसको।
तो यह है मेरे धनतेरस वाले दिन की वीडियो और धनतेरस वाले ही दिन की डेकोरेशन। आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और बाकी अगले दिनों के व्लॉग्स। तो स्टे कनेक्टेड। और पंच दिवसीय त्यौहार का आज अंतिम दिन है। हैप्पी भैया दूज टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। भगवान अपनी कृपा हम सभी पर, आप पर, मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें और हमारी जिंदगियां इन्हीं लाइटों की तरह हमेशा जगमगाती रहें, इन्हीं फूलों की तरह हमेशा महकती रहें। सबके घर में सुख शांति धन धान्य भरा रहे, बस ऐसी ही भगवान से मेरी प्रार्थना है। और आप भी प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हो। आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इस रेसिपी को एक ट्राई दे सकते हो, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपकी राय मुझसे कॉमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।